आगे जो शब्द हम पहले श्लोक में पढ़ रहे हैं वह यह है कि धृतराष्ट्र बोलते हैं, माम का पांडव च एव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। तो इन शब्दों के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र का कितना द्वेष की भावना रखते हैं पांडवों के प्रति। जबकि हम देखते हैं महाभारत में कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वह धृतराष्ट्र के प्रति कितना आदर और प्रेम का भाव रखते हैं। वह पक्षपात करते हैं अपने पुत्रों के प्रति और पांडव गण जो हैं उनको अपना पुत्र ही नहीं मान रहे हैं, उनको अपने पुत्रों से अलग कर दिया। सबको एक समान ही मानना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र सब आपस में क्या कर रहे हैं, मेरे और पांडवों के पुत्र, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था। धृतराष्ट्र ने युद्ध से पहले युधिष्ठिर महाराज को एक संदेश भेजा, उसमें वह लिखते हैं कि हे पांडु नंदन, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह धर्म के अनुसार कर रहे हैं और यह बात लोगों में प्रसिद्ध भी है और देखी भी जा रही है, और यह बात सोचकर आप अपनी कीर्ति, अपना जो फेम है उसको कम ना करें। यदि आप चाहते हैं कि कौरव जो हैं वह आपका भाग, आपका जो राज्य है वह दे दें, तो ऐसा ना सोचें और युद्ध करने पर ही वह आपको प्राप्त होगा। और आपको चाहिए कि आप अन्य राजाओं के राज्य में भीख मांगकर अपना जीवन का निर्वाह, अपने जीवन का गुजारा कर लें। हम समझ सकते हैं कि ऐसी मीठी और मधुर लगने वाली बातों में धृतराष्ट्र के अंदर कितना कपट भरा हुआ है। वह चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह कर लें और उनको कोई राज्य ना मिले। परंतु यह भी है कि वह धृतराष्ट्र पक्ष ले रहे हैं किनका, कौरवों का, अपने पुत्रों का पक्ष ले रहे हैं और उनको दंड नहीं दे रहे हैं। उनको इस अन्याय से, इस पाप से रोकना चाहिए जो वो करने जा रहे हैं आगे युद्ध के नाम में।